हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवेन आर्य और आप देख रहे हैं डेल इंफोटेनमेंट नेटवर्क। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। किड्सोपीडिया के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के एपिसोड में हम लोग एक पजल सॉल्व करने वाले हैं, 13 बॉल पजल। आपको 13 गेंदें दी गई हैं, बराबर आकार की, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे कलर की, पर उनमें से 12 गेंदें तो बराबर वजन की हैं लेकिन एक गेंद जो है वो भारी है। आपको एक तराजू दिया गया है और उस तराजू में आपको 3 बार तौल के, मैक्सिमम आप 3 बार तौल सकते हैं, और 3 बार तौलने के बाद आपको बताना है कि वो बॉल कौन सी है। अब चलिए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले गेंदों में 1 से लेकर 13 तक नंबर डाल लें। नंबर डालने के बाद तराजू में एक तरफ 1 से 6 तक गेंदे रख लें और दूसरी तरफ 7 से 12 तक गेंदे रख लें। अब इस पजल का जवाब संभावनाओं पर आधारित होगा। कुल मिला के 3 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो 1 से 6 वाला पल्ला भारी होगा या 7 से 12 वाला भारी होगा, वो बराबर होंगे। अब इसे ध्यान से समझिए, अगर 1 से 6 तक वाला पल्ला भारी रहता है तो गेंद, भारी गेंद जो है वो 1 से 6 के बीच में कोई एक गेंद है। अगर 7 से 12 वाला भारी रहता है तो इसका मतलब है कि गेंद 7 से 12 के बीच में कोई सी बॉल है, और अगर दोनों बराबर रहते हैं तो इसका मतलब है कि गेंद नंबर 13 अलग और भारी बॉल है। ये आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि संभावना नंबर 1 हुई, यानी कि 1 से 6 तक भारी रहा और 7 से 12 वाला साइड हल्का रहा, यानी कि गेंद जो है वो 1 से 6 के बीच में कोई एक बॉल है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, 1, 2 और 3 को लेना है एक तरफ, 4, 5, 6 को लेना है दूसरी तरफ। इस तौल के बाद हमें पक्का मालूम है कि गेंद 1 से लेकर 6 तक है, तो संभावनाएं 3 नहीं होंगी बल्कि 2 ही होंगी। या तो 1, 2, 3 भारी हो सकता है या 4, 5, 6 भारी हो सकता है। अब हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को एक एक करके देखेंगे। पहले मान लेते हैं कि 1, 2 और 3 भारी आता है, तो अगर 1, 2, 3 भारी आता है इसका मतलब 1, 2, 3 में कोई एक बॉल है, तो तीसरे तौल में हमें 1 और 2 को तौल लेना है। अगर 1 भारी आए तो उत्तर गेंद 1 भारी है, अगर 2 भारी आता है तो उत्तर है गेंद नंबर 2 भारी है, और अगर 1 और 2 बराबर आते हैं तो उत्तर है गेंद नंबर 3 भारी है। अब मान लीजिए कि 1, 2, 3 भारी ना आए बल्कि 4, 5, 6 भारी आते हैं, तो तीसरे तौल में फिर से 4 और 5 को तौल लें। अगर 4 भारी आता है तो गेंद नंबर 4 भारी है, 5 भारी आता है तो गेंद नंबर 5 भारी है, और 4 और 5 बराबर आ जाते हैं तो उत्तर है 6, गेंद नंबर 6 भारी बॉल है। अब मान लीजिए पहले तौल में 1 से 6 तक हल्का होता और 7 से 12 भारी होता, तो हमें सेम टू सेम वही स्टेप्स में लेना है जो हमने 1 से 6 तक भारी होने पे लिए थे। अब पहले तौल की तीसरी संभावना है, अगर 1 से 6 और 7 से 12 दोनों बराबर आते तो उत्तर गेंद नंबर 13 भारी है। इस पहेली को और भी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इस पजल में एक और कठिन वाली पजल पूछी जाती है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि जो अलग बॉल है वो भारी है या हल्की, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।